हुआ भाभी? भाई नहीं आया अभी तक। लगता है सता रहे हैं आपको। दीदी वो अपने दोस्तों को बाहर तक छोड़ने गए। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे माँ बुला रही है तुम्हें। माँ जी आओ बहू। जी माँ जी आपने मुझे बुलाया। क्या हुआ माँ जी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरी और संजय की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बेटा हमने ये शादी अपने कुलगुरु के आज्ञा के बिना करवाई थी। अभी अभी फोन पे उससे बात हुई। वो कह रहे हैं कि ये शादी सही मुहूर्त में नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 1 महीने तक तुम्हारे और संजय के बीच में कोई भी संबंध हुआ तो मेरा बेटा उसकी जान को खतरा है। बेटा मैं जानती हूँ बहू ऐसी दकियानूसी बातों पे तुझे विश्वास नहीं होगा, पर बेटा हमारे गुरुजी ने आज तक जो कुछ भी कहा है ना हमेशा सही हुआ है। मैं तेरे से विनती करती हूँ बेटा मेरे बेटे को बचा लो। एक माँ के लिए तुम ऐसा कर सकती हो ना अपने सुहाग के लिए। माँ जी अब हाथ मत जोड़िए। मैं संजय से बात करूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। संजय से बात मत करना बेटा। उसे इन सारी बातों पे विश्वास नहीं है। बोलो ना बेटा अपने पति की लंबी आयु के लिए ये बलिदान दोगी ना तुम। ठीक है माँ जी आप फिक्र मत करिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। खुश रहे बेटा सदा सुहागिन रहे। हाय निशा तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना मुझे तो तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। संजय जी प्लीज Nisha, is everything all right? क्या अगर 1 महीने तक तुम्हारे और संजय के बीच में कोई भी संबंध हुआ तो उसकी जान को खतरा है बेटा। संजय जी प्लीज मैं नहीं कर सकती हूँ आपके साथ ये सब। What is wrong with you? कहा ना आपको, नहीं कर सकती मैं आपके साथ ये सब। सुहागरात की बैंड बज गई। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है मम्मी जी कि एक महीने में एफडी और जमीन ये आप अपने नाम कैसे करवाएंगी? एक महीना नहीं, एक हफ्ता। मैं उस निशा को ऐसा घुमाऊंगी कि उसके बाप ने उसके नाम पे जो कुछ भी रखा है ना वो एक ही हफ्ते में मेरे नाम कर देगी। जो? बस किसी तरह से उसके बाप तक ये बात पहुंच जाए कि उसकी लाडली बेटी दुल्हन तो बन गई पर बेचारी पत्नी नहीं बन पाई। अच्छा ये बात संजय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरा बेटा अपने बाप की तरह उसूल वाला है। अरे उसूल वाले तो हम में है मम्मी जी, पर उसके उसूल अलग है, हमारे अलग है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निशा तुम यहाँ कैसे? हाँ? वाह मम्मी जी, आपकी आस्था अपने गुरुजी के लिए नहीं दहेज के लिए। चलो अच्छा है, तुझे सारी सच्चाई पता चल गई। अब एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अगर तुझे इस घर में रहना है ना और अपनी शादी को बचाना है तो तेरे बाप ने जो कुछ भी तेरे नाम पे किया है वो सब कुछ तू मेरे नाम पे कर, समझ गई? माँ जी, अगर आप प्यार से सब कुछ मांगती ना मैं सब कुछ आपको दे देती, पर अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक आप एक पत्नी को अपने पति से अलग रख पाती। क्या करेगी तू? मेरे बेटे को बताएगी? ऐसी गलती मत करना बहू, मैं अपने बेटे को तेरे से बेहतर जानती हूँ। मेरा बेटा ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा, समझ गई? मैं भी देखती हूँ माँ जी, आखिर कब तक वो आपकी असलियत से अनजान रहेंगे। मम्मी जी, आपकी बहू तो एक ही दिन में आपकी सास बन गई। अपने ही बेटे और बहू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी दामिनी, सिर्फ दहेज के लिए। दहेज ना सिर्फ एक कानूनी अपराध है बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा कलंक है। और ऐसी सोच रखने वाले लोगों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक माँ, एक सास दहेज के लिए हर संभव साजिश रच रही थी। उसका बेटा दहेज प्रथा का विरोधी था, लेकिन दामिनी के लालच ने बेटे की आवाज को भी दबा दिया। आखिर दामिनी की यह दौलत की हवस उसके परिवार को कहां लेकर जाएगी? हेलो, हाँ माँ मैं बोल रही हूँ। अरे मेरा बच्चा, कब से तेरे फोन का वेट कर रही हूँ। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। सब लोग यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तेरी आवाज से तू खुश नजर नहीं आ रही। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। माँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे सुन तो सही, जी सुनिए, ये एफडी और प्रॉपर्टीज पापा ने मेरे नाम पे की। आप कल मुझे बैंक और कोर्ट ले चली, सब कुछ माँ जी के नाम पर कर देंगे। दिशा, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? इन सब की वजह आपकी माँ है, वही चाहती है कि मैं सब कुछ उनके नाम पर कर दूं। देखो दिशा, तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे बारे में कह सकती हो, लेकिन अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा बेटा ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। सुनिए, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैंने क्यों माँ जी के बारे में ऐसा सोचा। मैं परसों रात के लिए भी बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं दिशा तुम्हें क्या हो गया। देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में, जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अपनी पत्नी की पहली गलती को माफ नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जिया जी। गुड मॉर्निंग दीदी। वो झाड़ू और डस्टबिन कहाँ है? वो वहां रखा है। ऐसा क्या हुआ जो इतनी सुबह सुबह तुम्हें झाड़ू और डस्टबिन चाहिए? दरअसल कल रात को ये और मैं साथ में थे। अब मैं कैसे बताऊं आपको, मेरी कुछ चूड़ियां टूट गई और आप तो जानते ही हैं कि टूटी हुई चूड़ियां बहुत चुप सकती है ना मम्मी जी? मम्मी जी, चूड़ी टूटने के बहाने बता के वो सुहागरात मना ली उसने। माँ, मुझे ये निशा ना बहुत तेज लग रही है। देखना ये धीरे धीरे भाई को भी वश में कर लेगी। संजय तुझसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इकलौती बहन है तू उसकी, तुझे दुख में वो देख नहीं पाएगा। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। पहली मुलाकात में उनकी बीवी से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। मम्मी जी क्या आगे आगे, आगे, आगे। शुरू हो जाओ, चलो चलो। हम ऐसा करते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें अपने घर पे डिनर पर बुला लें। तो मैं क्या करूं? हाँ? मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लगी है। माँ देख लो कैसे बोल रहे हैं। ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी पत्नी से? तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उसका क्या करूं इसका? ये सब क्या हो रहा है? कैसा धोखा दिया मेरी बहन? देखो ना बेटा, दामाद जी कह रहे हैं कि जब तक हम इन्हें दहेज के 10 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक ये शिखा को घर नहीं ले जाएंगे। दहेज 10 लाख रुपए? जीजा जी, आपकी शादी को 1 साल हो चुका है और बिन मांगे ही हम आपको इतना कुछ दे चुके हैं, तो फिर से ये दहेज की बात कहां से निकल के आ गई? अरे मैं तो एक शरीफ आदमी हूं जो 1 साल से चुप हूं, लेकिन शिखा ने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी में जो दहेज मिलेगा उसमें से तुम खुद 10 लाख अलग से हमें दोगे। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं शिखा को अपने साथ रखूं तो पैसों के साथ ही उसे मेरे घर भेजना, वरना समझ जाओ। अरे सुनिए तो भाई दे देंगे आपको पूरे 10 लाख देने के बाद। इनके साथ जाना। संजय बहुत प्यार करता है, दे देगा 10 लाख रुपए। हाँ, रोना बंद कर, रोना बंद कर। परेशान हो? देखिए पापा ने मेरे नाम पे चैरिटी की है, कल हम बैंक चलकर उसके पैसे ले आते हैं। आप वो पैसे शिखा को दे दीजिएगा। उन पैसों पर तुम्हारा हक है और मुझ पर आपका हक है। जो कुछ भी मेरा है वो सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी। नहीं निशा, वो पैसे मैं, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। निशा थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। पैसे लेके आ रहे हो लोग? वो तो आना ही था। आज तक मेरी कोई चाल नाकामयाब हुई है? अरे मम्मी आपकी चाल तो कमाल है। कमाल। मैं फैन हूँ। आ गए। जीजा जी ये लीजिए पूरे 10 लाख। पैसे गिनने की क्या जरूरत है? तुम बोल रही हो तो ये नहीं लेता हूँ, कोई बात नहीं। छोड़ो क्या गिनता हूँ। आप इस पे साइन कर दीजिए। क्या लिखा है इन कागजों में? इस पर यह लिखा है कि ये 10 लाख रुपए लेने के बाद तुम शिखा को दहेज के लिए कभी तंग नहीं करोगे। हैं? ये क्या बात है? ऐसा भी कोई होता है क्या? बेटा रिश्तेदारी में ये लिखा पड़ी क्यों? नहीं माँ, दिशा ने मुझे समझाया शिखा के भविष्य के लिए हमें यह करना बहुत जरूरी है, वरना इन लोगों का क्या भरोसा है, कल को दहेज के लिए फिर से डिमांड करने लगे। माँ जी अब सब लोग आपकी तरह अच्छे तो नहीं होते हैं ना, और फिर जब जीजा जी पैसे ले ही रहे हैं तो उन्हें साइन करने में क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ वही बात, साइन क्यों कर दूं मैं? ये कोई बात है क्या? साइन कर दूंगा, कुछ भी पेपर में साइन कर दूंगा मैं, साइन कर दूंगा। साइन ही तो करने की बात है। दीजिए वकील साहब, छोटी सी बात है इसमें, निशा तुम इतना साइन ही करनी है, कर देता हूँ। जी आप आ जाइए। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब ये वो दहेज के पैसे हैं जो इन्होंने हमसे लिए। और ये रहा इसका लिखित सबूत। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी ननद पर बहुत अत्याचार करते हैं, जब से शादी हुई है आए दिन उन्हें दहेज के लिए परेशान करते रहते हैं। ले चलो इसे। क्या बात? छोड़ो यार, क्या क्या कर रहे हो सर? अब शिखा मैं कब परेशान किया तुझे, कब के परेशान? बोलने इसको क्या 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 बोले जा रही है निशा? मम्मी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे मैंने कोई दहेज नहीं ली यार। सच बात तो ये है कि दहेज की मांग इन दोनों की थी, इनके पाप से पैसे हड़पने के लिए, और मुझे फंसाया जा रहा। क्या तरीका ये शिखा, तू तो कुछ बोल, तू कुछ तो बोल यार। हाँ इंस्पेक्टर साहब इन्होंने दहेज के लिए डिमांड किया था। हाँ झूठ बोल रहे हैं ये। कुछ भी बोलती है। इस वक्त सारे काम कर मुझे ले चलो। अरे जेल मत ले जाइए। भाई भाई ऐसा मत करो, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें माफ कर दो। क्यों तमाशा बना रहे हो बेकार में? हाँ छोड़ दो इन्हें, माफ कर दो ना भाई। दीदी हम इन पर से केस वापस ले सकते हैं, अगर ये लिख कर दे कि अभी कभी भी आपको दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। हाँ ठीक है ना, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कहाँ साइन करना? मैं तैयार हूँ, मैं कभी परेशान नहीं करूँगा मेरी वाइफ को, ये मेरी अच्छी पत्नी है। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तेरी बीबी पर थोड़ी भी खरोच आई तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा, समझा? चलो। दिशा ये पैसे जाकर अपने एफडी अकाउंट में वापस डाल दो, इतना पैसा घर में रखना ठीक नहीं। आइए वकील साहब मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक अंग्रेजी वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार सन 2001 से 2012 के बीच हमारे देश में कुल 91,202 बहुओं को दहेज के लिए मार डाला गया। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन अफसोस ये कुरीति आज भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई बनी हुई है। अब यहाँ निशा की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था, उसकी सास दामिनी हर तरह से उसके जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रही थी। क्या होगा आगे? क्या निशा अपनी सास की साजिशों को मात देने में कामयाब हो जाएगी, या फिर दहेज के लिए जलाई जाने वाली बहुओं की फेहरिस्त में उसका नाम भी शामिल हो जाएगा? बहू अपनी पूज्य सास के लिए एक कप चाय बनाते। जी माँ जी, अभी लाई। फिर मेरी प्यारी बहू आएगी, लाइटर उठाएगी, गैस को जलाएगी और भम। तो आप मुझे जलाकर मारना चाहती? वो क्या है ना माँ जी, के ये सब बहुओं को जलाकर मारने के तरीके ना बहुत पुराने हो चुके हैं, आपके जमाने के। इस हद तक गिर गई कि मुझे जलाकर मारना चाहती है। अब मुझे संजय को सब कुछ बताना पड़ेगा। तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी? फोन करेगी उसे? मैं बता के रहूंगी उन सब के बारे में। बातों पे भरोसा ही नहीं करेगा। छोड़िए, छोड़िए मुझे। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। देखती हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। हेलो, हेलो संजय जी, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। माँ जी मुझे जलाकर मारना चाहती है। मैं सच बोल रही हूँ संजय जी, प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, प्लीज। क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। हाय हाय, कोई बचाओ। हाँ? मेरी बहू मुझे जला के मारना चाहती है। बेटा कोई है? अरे बचाओ मुझे। हाँ, दरवाजा खोलिए। बेटा। हाँ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? देख बेटा, देख, तेरी बीवी मुझे जला के मारना चाहती है। अच्छा हुआ बेटा कि तू वक्त पे आ गया। अगर तू वक्त पे नहीं आता तो ये तो मुझे जला के मार चुकी होती। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैं तुझे सच बताती हूँ, तू जैसे गया ना, पता नहीं इसे क्या हो गया, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलने लग गई। बोला कि मैं इसके सारे पैसे शिखा को देना चाहती हूँ। फिर उसने मुझसे कहा कि देखिएगा मैं आपको इस घर से कैसे निकालती हूँ। फिर बेटा तुझे फोन कर दिया और कहा कि मैं इसे जला के मारना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ माँ, दिशा बिल्कुल सही कह रही। दिशा का फोन जरूर आया था लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि ये तो कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, और आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं। देखती हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। हेलो संजय जी, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। माँ जी मुझे जलाकर मारना चाहती है। मैं सच बोल रही हूँ संजय जी, प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, प्लीज। हेलो, हाँ संजय जी, आप प्लीज जल्दी से घर पे आ जाइए। माँ जी को पता नहीं क्या हो गया, बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ, ये तो क्या कह रहा है बेटा? सच कह रहा हूँ माँ। पागल हो गया? अरे मैंने अपने कानों से सुना, ये तुझे फोन करके कह रही थी कि मैं इसे जला के मारना चाहती हूँ। हाँ, मेरा विश्वास कीजिए, दिशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या मैं पागल हो गई हूँ? हाँ जी, मुझे लगता है कि माँ जी की दिमागी हालत ठीक नहीं। हमें जल्दी से इन्हें किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तुझे दिखाना चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ, पागल तू है। सुना तूने? ऑफिस से फोन है, मैं इन्हें बोल देता हूँ कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ, और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लेता हूँ। शाम को डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ को कमरे में ले जाओ। हेलो। अरे हाँ कुमार साहब। अरे हाँ, मुझे मेरे बेटे के सामने पागल साबित करना चाहती है। तुम मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। क्या चीज है ये जानने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, पर एक बार कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आप सुधरी नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। निशा प्लीज जल्दी कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। ये लीजिए। देखो आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए जाना पड़ेगा। निशा तुम माँ का ख्याल रखोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। That's very good। और देखो कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे माँ को गुस्सा है। और शाम को हम माँ को दिमाग के डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। हाँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे बेटे के सामने तो मुझे पागल साबित करना चाहती है। ये आइडिया तूने मुझे ही दिया, अच्छा है। अब इस पागलपन में मैं तेरा खून भी कर सकती हूँ। अम्मी जी डर गई। अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरा खून नहीं करूँ तो अपने बाप को फोन लगा और बोल जो कुछ उसने तेरे नाम किया है ना वो सब कुछ मेरे नाम करते। फोन लगाती है मम्मी जी प्लीज। लगाती हूँ। अच्छा अपने बाप के बदले संजय को फोन लगा रही हो, पर आज तेरी किस्मत बड़ी खराब है। संजय आज फोन घर पे छोड़ गया। आज तो तू गई, घर में कोई भी नहीं है। मम्मी जी आप क्यों कर रही है ऐसा? मम्मी जी अपने बेटे की गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही है? उसकी गृहस्थी बर्बाद नहीं कर रही हूँ, आबाद कर रही हूँ। बर्बाद तो मैं तुझे करूंगी। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब आइए। सब इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने अपने पति को मार डाला। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी सदमे में, वो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन वो अपने पति का खून कर ही नहीं सकती। उसके हाथ पे खून लगा है, कपड़ों पर भी खून लगा है, और जिस चाकू से उसके पति का मर्डर हुआ है उसके पास पाया गया है। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। वैसे भी, और उसके सास का भी कहना है कि उसके आंखों के सामने ही मर्डर हुआ है। उसके साथ झूठ भी तो बोल सकती है। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। निशा को जब से गिरफ्तार किया गया है वो कुछ नहीं बोल रही, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। आप कोशिश कीजिए अगर कुछ बोल ले। कैसे हो गया बेटा ये सब? तू चुप क्यों है? इंस्पेक्टर साहब को कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटा? बोलो ना बेटा। बेटा, हमें मालूम है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब तक तुम बोलोगी नहीं, आगे कैसे पता चलेगा कि ये सब किसने किया है? मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ बेटा, कुछ तो बोल, बोल कुछ। बोलो बेटा, किसने मारा तुम्हारे पति को? ननद के पति माधव ने। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये संजय को क्यों मारेंगे? क्योंकि इन महाशय का निशा के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि निशा ने कबूल किया है। संजय का मर्डर इसी ने किया। बिल्कुल गलत बात सर। ए निशा, निशा क्या क्या पकी जा रही? तू क्या बोली? तू इंस्पेक्टर साहब को क्या? तू बोल, सच बोल। माधव, कबूल कर लो। हा? देखो, खुद कबूल करोगे तो फांसी से बच जाओगे, बस उम्र कैद होगी। और अगर नहीं कबूल किया तो फांसी पक्की है। चल मैं सब, संजय का जो खून है ना साहब, उसकी माँ ने किया उसको। इंस्पेक्टर साहब को सब मुसीबत बता दे। तेरी ये पैसे की लालच में अपने बेटे को मार दे, तुझे क्या छोड़ेगी वो, तुझे ही मार देगी। बोल 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 बोल, अरे बोल ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, संजय को माँ नहीं मारा है, इन्होंने संजय को मार के हमें फोन किया था और कहा था कि निशा को फंसाना है, और उसके बाद ही हमने आप लोगों को बुलाया। शिखा ने भी जो कुछ भी कहा वही सच। मैंने भी झूठ बोल के माधव का नाम लिया ताकि सच सामने आ सके। ए, पकड़! मैं आपको क्या मारूं? आपको तो किस्मत पे खुद बहुत जोर से तमाचा मारा है। बेटा नहीं रहा, बेटी ने भी साथ छोड़ दिया। सारी जिंदगी जेल में बिताइएगा। निशा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए दामिनी को आईपीसी के सेक्शन 498A और अपने बेटे की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। जरा सोचिए, जो लोग दहेज के नाम पर बड़ी बेशर्मी के साथ अपने बेटे का सौदा कर सकते हैं, वो आपकी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए बेहद चौकन्ने रहे दहेज मांगने वाले लोगों से। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।